ये है जी हमारी खूबसूरत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, और ये बोर्ड जो है ये बिल्कुल अभी अभी लगा है, जिसके ऊपर लिखा है वेलकम टू ओपन हाउस। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो तुम सब? आज तुम्हारा भाई आज़ाद होने वाला है, आज है हमारा लास्ट पेपर। सो आज हम यूनिवर्सिटी से आज़ाद हो जाएंगे कुछ दो महीनों के लिए, इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो सीन ऐसा है कि यार आज मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूनिवर्सिटी का प्रॉपर विजिट व्लॉग डालूंगा। सो अब फजर टाइम का मैं ऑलमोस्ट उठा हूँ, पढ़ रहा था, अभी थोड़ा सा रहता है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 9:30 का टाइम हो रहा है, फिर रेडी शेडी हो गया मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। बूम, तो भाई तैयार शार तुम्हारा भाई हो गया था, वाइट शर्ट विद ब्लू पैंट हमने पहन ली है। तो अब हम यूनिवर्सिटी के लिए फौरन से निकलने लगे, इससे पहले हम लेट हो तो यूनिवर्सिटी जाके तुम लोगों से मिलता हूँ। हाँ जी मेरी जान, तो यूनिवर्सिटी जो है वो मैं पहुँच गया था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं उसके बाद मिलते हैं। यूनिवर्सिटी जो है मैं आ गया था, अब बाकी व्लॉग जो है वो पेपर के बाद होगा, क्योंकि पेपर के बाद पूरी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, तो पेपर के बाद मिलते हैं। यार पेपर शेपर जो है हमने दे दिया था, पेपर हमारा हो गया है। अच्छा तो अब हम मेन गेट वाली साइड पे जा रहे हैं, और वहाँ से तुम्हें मेन यूनिवर्सिटी दिखाना शुरू करूँगा, बट सारा कुछ बैक कैमरे से दिखाऊँगा और पीछे कमेंट्री मेरी चलती रहेगी। तो जी यहाँ से हमारी कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आता है, ये जो है ये बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट पिच बन रही थी, लेकिन कल होने वाला है ओपन हाउस, तो उस वजह से यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। ओपन हाउस में क्या होता है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपना दिखाते हैं, लेकिन वो सामने है क्रिकेट पिच, तो वहाँ पर बेसिकली ये जो है ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड होगा। साइड पर आती है हमारी फैकल्टी की पार्किंग, उसके बाद ऐसे कुछ यहाँ से रास्ता है थोड़ा स्लाइड डाउन करके, एंड देन अभी बाहर का व्यू पहले करा देते हैं। अब मेन में हमारे पास जो है तीन बिल्डिंग्स हैं, सबसे पहले आता है ये वाला, ये बेसिकली एजुकेशनल है, इधर हमारी क्लासेस लैब सब कुछ होती हैं। वो ये जो दो बिल्डिंग्स है, एक बैक साइड पे है वो तुम्हें दिखाता हूँ, वो बेसिकली एडमिन ऑफिस एंड लाइब्रेरी के लिए है, एंड वो जो सामने है वो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ नहीं जा सकते वरना वो भी तुम्हें अंदर से व्यू करवाता। देन वहाँ से अगर नीचे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्राउंड हैं, नंबर वन जो ग्राउंड है वो है बेसिकली बास्केटबॉल के लिए, एंड जो नंबर टू जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है वो है हमारा फुटबॉल या फुटसॉल का ग्राउंड। तो ये था जी हमारा मेन टूर ब्लॉग, जिसके अंदर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब लैब्स एंड क्लासेस, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा गुजारते हैं वक्त। और वो जो बैक पे बिल्डिंग है वो है बेसिकली हमारी एडमिन ऑफिस वाली, ये जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे हम जा नहीं थे सकते, और ये कुछ यहाँ पे वैसे ही मेन गेट है लेकिन ये कभी ओपन नहीं हुआ आज तक। एंड देन इस साइड पे आए तो यहाँ पे हमारा आती है, यहाँ पे एडमिन ऑफिस है प्लस यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो इस ब्लॉक के अंदर बाद में जाएंगे, पहले हम अपने इस जोर ब्लॉक के अंदर जाते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और हमारा स्टडी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से हमारी रिसेप्शन आ जाती है, तो यहाँ से अगर नीचे जाएँ तो हमारी मस्जिद शुरू हो जाती है, और यहाँ पे जो सारी स्टेयर्स हैं वो कुछ ऐसी हैं, तो बार बार मैं तुम लोगों को स्टेयर्स नहीं दिखाने वाला, ये हमारी स्टेयर्स हैं, और ये है कि इन्होंने चवल्स ही हमारी जिम रखी हुई है, जिसका कोई काम नहीं है, बस दो तीन ये चीज़ें ला कर रख दी और जिम की फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। देन यहाँ पर है कोई ये गेमिंग की है, और उसके बाद फुटबॉल जो गेमिंग होती है वो, एंड देन यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह खेल रहे होते हैं लड़के, एंड यहाँ पर जाएँ तो ये है हमारे पास जी मस्जिद, और उसके बाद यहाँ पे बेसमेंट में और कुछ नहीं है, हाँ एक हमारा कॉमन रूम है। कॉमन रूम की तरफ अगर हम जाएँ, कॉमन रूम बेसिकली वो होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ होंगे, और ये हमारा रेस्ट रूम होता है, मतलब जैसे यहाँ पर हम रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, और ये अंदर से कुछ ये भी है इसका। अगर हम इस साइड पर जाएं बेसमेंट में तो ये है हमारा फैकल्टी कैफे, इसके अंदर सिर्फ फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है जी वुजू वाली जगह, और यहाँ से फिर हम अगर इस साइड पर जाएं तो ये आ जाता है जी लिफ्ट एरिया, मतलब यहाँ पे ये हमारी लिफ्ट है जो कभी चल रही होती है कभी नहीं चल रही होती, तो हम कम इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बेसमेंट से ऊपर जाने लगे हैं, एक क्लास दिखाऊँगा सारी क्लासेस सेम हैं, और एक लैब दिखाऊँगा सारी लैब्स भी इसी तरह सेम ही होती हैं। तो जी इस टाइप की हमारी कुछ हैं क्लासेस, और सारी क्लासेस सेम है, 6 फ्लोर हैं, मतलब 6 लेवल हैं और 5 फ्लोर हैं, तो सब के सब ऐसी की ऐसी हैं। अब मैं तुम्हें एक वॉशरूम अंदर से दिखा देता हूँ वो किस टाइप के हैं, पूरे फ्लोर के ऊपर सारे सेम ही हैं, और उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट कैफ़े की तरफ। तो वॉशरूम में जाए तो वॉशरूम कुछ इस तरह के, यहाँ पे टीवी वगैरह शीशे लगे हुए हैं, एंड ये वॉशरूम है 2-3-4 यहाँ पे, और वॉशरूम के अंदर की भी कुछ ऐसे। तो ये है जी हमारा कुछ कैफे सीन, यहाँ से कैफे हमारा शुरू होता है, एंड ये खाने पीने वाली चीज़ें थी, उसके बाद जब इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको समोसे चाट एंड इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, अभी कुछ ये कि यहाँ पे खाते हैं, और यहाँ पे वाटर वगैरह पेप्सी जो है वो बैन हुई है। तो ये है हमारा कुछ
वो ब्रिज था जहाँ से हम गुजर के कैफ़े वाली साइड पे गए थे। बेसिकली ये इन दोनों बिल्डिंग्स का जो है वो लिंक है। एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज थर्ड फ्लोर के ऊपर है, और ये है वो सेकंड ब्लॉक। यहाँ पे जाके ऊपर है एडमिन ऑफिस, फिर एक फ्लोर पे है लाइब्रेरी। अगर हम बाहर से यूनिवर्सिटी का व्यू करें तो बाहर से कुछ ऐसे है, बैरिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ये ओपन हाउस जो हो रहा है मैंने तुम्हें बताया था, और बाहर से कुछ ये सीन है। अब साहब भाई जो है जा रहे हैं, ये हमारे बहुत अच्छे भाई जूनियर हैं हमारे साथ, हेलमेट पहना हुआ है, इनकी शक्ल आपको नहीं नज़र आने वाली। तो आफ्ताब भाई जो है वो निकलने लगे हैं बस अभी, और मैं भी बस घर की तरफ निकलने लगा। तो भाई जान अब हम जा रहे हैं घर, तो फिर इंशाल्लाह घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। सोचा बिरयानी शानी पैक करवा लें यार, घर में अभी पहुंचा, अब मैं बिरयानी खा लूँ जल्दी से, मुझे सख्त भूख लगी, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो फाइनली पेपर हमारे ख़त्म हो गए, आज हम आज़ाद हो गए, अब प्रॉपर करके व्लॉगिंग करेंगे भाईजान। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आज ना बहुत ज़्यादा खप थी, क्योंकि सारों का ऑलमोस्ट लास्ट ही पेपर था, तो सारे कैफेटेरिया में आगे पीछे पूरी यूनिवर्सिटी में फैले हुए थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर तो व्लॉगिंग नहीं हो सकी, क्योंकि रश में आवाज़ भी सही नहीं आ सकती थी, और फिर लोग भी कैमरे में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लगता यार किसी को इस तरह कैप्चर करना उनकी इजाज़त के बगैर, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बहरहाल जितना हो सका मैंने दिखाया, बाकी इंशाल्लाह यार यूनिवर्सिटी के अंदर और भी व्लॉग करते रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी तो तुम लोग देखते ही रहोगे, अगर कोई चीज रह भी गई है तो वो बाद में डाल देंगे किसी दिन। आज जो है वो थोड़ा रेस्ट मोड करते हैं यार, आज लास्ट पेपर दिया, पढ़ पुढ़ लिया सारा, फजर के टाइम के उठे हुए हैं, आज हम मारते हैं रेस्ट, कल से हम अपनी प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू करेंगे। बल्कि कल से क्या शुरू करनी है यार, कल हमने अगेन जाना है यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक तो ओपन हाउस है, उसमें भी थोड़ा देखना है क्या सीन होता है, क्योंकि अब हम भी सीनियर्स हैं तो हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये कि कल पेपर शो भी हैं, एक दो पेपर भी हमें दिखाए जाएंगे, उनकी भी लिस्ट आई हुई है, तो कल हमें यूनिवर्सिटी अगेन जाना पड़ेगा, हम कहीं और नहीं जा सकते। सो कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर तुम लोग से कल के व्लॉग में। तो अगर अब तुम लोग बहरिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फिर तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, और बाकी भी अगर तुम लोग हो तो भाई डेली व्लॉगिंग चल रही है, भाई मेहनत करता है, सब्सक्राइब कर दो हसन ज़ुल्फ़िकार व्लॉग्स को, जल्दी से ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो मेरी जान। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगा हूँ एंड, तो तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।